नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपके सामने कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों आपको पता ही होगा इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है। इसके पहले हम आपको बताते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो इसरो की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, ठीक है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? एक है बेंगलोर में, ठीक है, एक है बेंगलोर में दोस्तों, और दूसरा कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बीके के नाम से ध्यान में रखिएगा, बेंगलोर और कर्नाटक इसका मुख्यालय है। किसका दोस्तों? इसरो का, ठीक है। तो अब इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका जो पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका आंसर डी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एटीएम का विस्तार क्या है। तो एटीएम का विस्तार क्या है, इसका पूर्ण रूप है। इससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों एटीएम की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 27 जून, 27 जून ये 1967 को, ठीक है दोस्तों, 1967 को इसकी स्थापना हुई थी ये लंदन में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये लंदन में, ठीक है ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों भारत में कब हुई थी? तो इसकी भारत में जो शुरुआत हुई थी 1987 को हुई थी, ध्यान में रखिएगा 1987 को जो इसकी शुरुआत हुई थी भारत में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मुंबई में हुई थी, ध्यान में रखिएगा मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी भारत में। और कौन से बैंक के द्वारा दोस्तों? HSBC, ठीक है दोस्तों, बैंक का नाम याद रखिएगा HSBC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों CFL का पूर्ण रूप क्या होता है आपको पता ही होगा, कंपैक्ट क्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिम का पूर्ण रूप क्या है? सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो सिम का पूर्ण रूप होता है वो है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों SMS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ASEAN का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। र का पूरा नाम क्या है? दोस्तों र का पूरा नाम क्या है ये तो आपको पता ही होगा। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, 21 सितंबर 1968 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है दोस्तों? नई दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली इसकी मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाकिस्तान के संदर्भ में ISI क्या है? तो दोस्तों क्या है? इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी ISI की? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1948 की स्थापना हुई थी। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है दोस्तों? इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, इसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कंप्यूटर में IC का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर में IC का क्या कार्य होता है दोस्तों? ये होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, ठीक है, एक प्रकार की इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए।
ठीक है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे पहले हम नाबार्ड के बारे में जानते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 को, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से। और ये इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। चलो, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीबीडी का मतलब क्या होता है, यानी डीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिजिटल वेरेस्टिन डिस्क, ठीक है। तो इसकी थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। जो इनकी कंपनी बनाने वाली थी दोस्तों, याद रखिएगा, तीन कंपनी मिलके बनाई थी, सोनी, पैनासोनिक और एक है दोस्तों सैमसंग, ठीक है। इन तीनों कंपनी के द्वारा इसे निर्मित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? इसको तो पता ही होगा दोस्तों, आरबीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इस कब हुई थी? ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF का पूरा नाम दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को हुई थी, 29 अप्रैल 1961, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं। इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ है दोस्तों? WWF का मुख्यालय जो है तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNG से तात्पर्य क्या है दोस्तों? CNG से तात्पर्य होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से, कि शब्द संक्षेप GSLV का आशय क्या है? GSLV का आशय क्या है दोस्तों? जियो सिंक्रोना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ दोस्तों। ये एक प्रकार का रॉकेट लॉन्च सिस्टम होता है, ठीक है, ये रॉकेट लॉन्च सिस्टम एक प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका जो अध्ययन होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। यह समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था यह समझौता, ठीक है। और जब इसमें सारे देश मिलकर हस्ताक्षर कर लिए तो ये 1994 को लागू कर दिया गया, ये 21 मार्च 1994 को लागू हुआ, ठीक है दोस्तों, 21 मार्च 1994 को ये लागू हो गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता ही हो गया होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी IT में HTML का क्या तात्पर्य है? दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एड्स का क्या अर्थ है? ठीक है, ये प्रकार की बीमारी दोस्तों ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एड्स
कि जो इसकी पहचान हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में इसकी जो है तो पहचान हुई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो गया होगा दोस्तों, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर इसका पूर्ण रूप है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।